अस्सलामुअलैकुम जी। घर वाले अभी सब सो रहे हैं, चिड़ियाँ जाग रही हैं और मैं जाग रहा हूँ। मेरा काम पे जाने का टाइम है, बस ये अब जाने लगी अपनी शिफ्ट पे, अपनी ड्यूटी पे। अभी सूरज नहीं निकला, बस इसी टाइम स्टार्ट होती मेरी शिफ्ट सूरज से पहले। ठीक है जी, बस अब मेहनत करनी पड़ती है पीछे लाइट पड़ी होगी, अभी कूपन दे रहा है। ठीक है, ओके। मैं कहा जी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दें, काम पे किस टाइम जाता हूँ मैं, इस टाइम पे जाता हूँ मैं काम पे इस दे दें। ठीक है, और लोग भी होंगे मेरे से पहले जाते हैं। नहीं जी, मैं जी अपनी ब्रेक पे अब। ठीक है जी, बस नोटिस लगा हुआ था कि भाई तनख्वाह बढ़ गई है घंटे के जितने उन्होंने बढ़ाए हैं ना, बताने वाला नहीं है। अपसेट ही हुए हैं सारे देख के कि जितनी महंगाई और हो गई है और जो तनख्वाह आपने बढ़ाई है इससे अच्छा तो ना बढ़वाते। ये तो आप मतलब इंसल्टिंग है जितनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं आप। तो अल्लाह ही खैर करे, वैसे उम्मीद बड़ी थी कि हाँ जी सुन रहे थे बढ़ जाएगी तनख्वाह, बढ़ जाएगी कि चलो महंगाई काफ़ी हो गई है, लेकिन अभी अल्लाह माफ़ करे, वैसे जितनी बढ़ाई है ना बताने का दिल भी चाह रहा है, जितनी पैनियाँ बढ़ाई हैं उन्होंने ऐसे बड़ी स्पीड से बड़े ज़ोर से कुछ और सोचना पड़ेगा, बड़ी स्पीड से बड़े बड़ी तो कुछ और सोचना पड़ेगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अल्लाह 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 खैर करे सबके लिए। मेरे दोस्त है, उससे बात हो रही थी, वो होता है लाहौर में होता है, तो वो वहाँ के तो जो हालात है वो तो यहाँ से भी जो है ना बहुत बुरे हुए हैं पाकिस्तान के। तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत से अच्छे हैं, पर वो जो हालात बता रहा था तो सुन के खौफ आया। वैसे बड़ी मुश्किल में हैं लोग बहुत सारे जो वहाँ पे, जिनकी जिनकी तो है ना नौकरियाँ तनख्वाहों पे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो जिनके कारोबार हैं उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन जो कारोबारी बंदा ना चलो यार वो रेट बढ़ा तो वो रेट बढ़ा देगा, अब वो उसने पास ऑन कर देना कस्टमर को। जो जिसकी जॉब है जो नौकरी करता है ना वो किधर पास ऑन करेगा, उसको तो या तो वो फाके करे, वो बचत करे, फाके करे और काम करे। ठीक है, कितने घंटे और काम कर ले इंसान, 24 घंटे होते दिन में कितना काम कर ले कोई और। अल्लाह रहम करे सब पे, वैसे हालात काफ़ी मुश्किल हैं, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन काफ़ी जो पाकिस्तान में तो बहुत बैड हुआ है। अभी इधर यूके में भी कोई, यूके में बहुत बहुत स्पीड में बहुत बैडली हुआ है, यहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं हुआ, परचेजिंग पावर बहुत कम रह गई है लोगों की। अल्लाह रहम करे वैसे। जी मेरी हो गई अब छुट्टी काम से, दोपहर हो गई, शिफ्ट ख़त्म हो गई, तो चलें घर जाएं, खाना शाना खाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे या चाय पियेंगे, देखते हैं। और कल भी लेके गया था और हिना के लिए आज भी ली, तो मैं कहा चलो चीयर अप रहना चाहिए, ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में। तो हिना को फूल बड़े पसंद हैं, बड़ी हैप्पी होती है, खुश होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं जो ना करने चाहिए आपको अपनी बेगम के लिए, घर का माहौल जो बड़ा सही रहता है फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए आज फिर से माशाल्लाह। मैं घर आता हूँ, घर साफ होता है, खाना शाना जबरदस्त बना होता है, तो मैं क्या थोड़ी थोड़ी रिश्वत जो है ना मैं पेश करता रहूँ आपको। थैंक यू, लव यू टू यू। येलो बेबी जी, खाना बना हुआ है, वाह जी वाह, माशाल्लाह, वन ऑफ माय, ये मेरी फेवरेट चीजों में से है। तो फिर फूल तो बनते थे ना, फूल तो रोज रोज बनते हैं, रोज रोज इतने मजे के खाने होते हैं, पर अब रोज फूल मैं लेके आ नहीं सकता ना सिर्फ पूरी तो नहीं ना खरीदी जाने अब तो, पर मैं मतलब वीक में 3-4 बार फूल ले ही आता हूँ इनके लिए, माशाल्लाह। ठीक है ना, ये तो गजरे थे मिलते नहीं हूँ, फिर फूल ले आते हाँ वो लेते होते थे लिबर्टी जब जाते थे तब लेता होता था वहां से। लेटस डाल लो साथ में, ये रोटियां यहाँ पे। प्याज कितना हंसता जा रहा है, ले जी कठिया दो चुक लेने, फिर आना नहीं पड़ेगा सानू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।